नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। सट्टेबाजी ऐप महादेव से लाखों लोगों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी करने वाला सौरभ चंद्राकर इन दिनों सुर्खियों में है। ईडी ने अब तक उसकी 400 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त कर ली है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि किस तरह काली कमाई से वो दुबई में मौज कर रहा है। सौरभ ने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसकी तुलना दुनिया के बड़े अरबपतियों में शामिल हो गई है। मुकेश अम्बानी, लक्ष्मी मित्तल जैसे परिवारों में होने वाले विवाह के बजट से इसकी तुलना हो रही है। सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी में किस तरह पैसा बहाया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नागपुर से दुबई जाने के लिए परिवार और रिश्तेदारों के लिए उसने प्राइवेट विमान बुक कर दिए थे। वहीं यही नहीं, उसकी शादी में सनी लियोन, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़ जैसे बॉलीवुड सितारे परफॉर्म करने के लिए पहुंचे। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर और उसके साथी रवि उप्पल ने महादेव ऐप के जरिए सट्टेबाजी में हजारों करोड़ रुपए कमाए। अब तक 5000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल चुके हैं। सौरभ और उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि सौरभ बेहद सामान्य परिवार से है। वह अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसका शुरुआती जीवन बेहद संघर्षों में गुजरा है। शुरुआत में वो भिलाई में ही जूस बेचने का काम करता था। दुकान का नाम था महादेव जूस सेंटर। जूस की दुकान चलाते हुए वो सट्टेबाजी करने लगा और कहते हैं कि जो भी कमाता था वो सट्टेबाजी में लगा देता था। हालांकि उसे अधिकतर मौकों पर हार का ही सामना करना पड़ा। महादेव ऐप का एक अन्य प्रमोटर और सौरभ का साथी उप्पल इंजीनियर है। उप्पल भी सट्टेबाजी में पैसे हार चुका था। इसके बाद दोनों साथ में दुबई चले गए। इसके बाद वो बार, कैसीनो, सट्टेबाजी की दुनिया में उतर गए। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर ठगी का विशाल साम्राज्य खड़ा किया। हजारों करोड़ रुपए कमाए। चंद्रकर और उसके साथियों ने 51 से अधिक सट्टेबाजी वेबसाइट और ऐप बनाए। छोटी रकम लगाने पर बड़ा मुनाफा देकर लोगों का लालच बढ़ाते थे। जब कोई बड़ी रकम लगाता था तो हड़प लेते थे। महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग एप्लीकेशन अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करने वाला एक अहम साधन है। सौरभ दुबई में बैठकर ही पूरे धंधे को ऑपरेट कर रहा था। कारोबार बड़ा हो जाने की वजह से उसने अब कई लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था और फ्रेंचाइजी के जरिए काम करने लगा था। वो 70-30 प्रॉफिट मॉडल पर काम कर रहा था। भारत में होने वाली कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो विदेशों में ठिकाने लगा देता था। ईडी ने अब तक 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने हाल में कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ छापेमारी भी की है। मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी में सनी लियोन, नेहा कक्कड़, भारती सिंह, भाग्यश्री, कीर्ति खबंदा, नुसरत भरूचा, राहत फतेह अली खान, विशाल ददलानी, आतिफ असलम, अली असगर, अली अबराम, टाइगर श्रॉफ, कृष्णा अभिषेक और पुलकित को स्टेज परफॉर्म के लिए बुलाया था। जानकारी के मुताबिक इन सभी फिल्मी सितारों को सौरभ ने मोटी रकम दी थी। इस मामले में ईडी ने अब तक 400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सट्टेबाजी के इस ऐप के 2 मुख्य आरोपियों की पहचान हुई है। पहला सौरभ चंद्राकर, दूसरा रवि उप्पल। दोनों आरोपी छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। जांच में जुटी ईडी अब तक दर्जनों जगह छापेमारी कर चुकी है। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।